स्पॉन्सर्ड बाय BRC छत्री डेसिकेटेड कोकोनट सुपर पाउडर। आदर्श ग्राम अवरिध में कुष्ठ रोग के प्रति किया जागरूक नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों को दिया संदेश। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के आदर्श ग्राम अवरिध में द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट के BRC प्रोजेक्ट के तहत लोगों को कुष्ठ और स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सरपंच सरोज यशवंत साहू और स्कूल के शिक्षिकाओं का साथ ही कलाकारों का विशेष योगदान रहा। नवभारत समाचार छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा से देवराम धीवर की रिपोर्ट। जा रहा है नुक्कड़ टाइप इनका जो कार्यक्रम बताया, स्टेज प्रोग्राम हुआ था अभी कुछ दिन पहले इनका, जिसमें गांव के बहुत लोगों की सहभागिता रही, जिसमें पालक भी रहे, बच्चे भी रहे और हम शिक्षक शिक्षिकाएं भी थी। और इन्होंने जो लेप्रेसी के बारे में बताया, जो जागरूकता हमको दी, बहुत अच्छा रहा, बच्चों का भी इंटरेस्ट रहा। और इनका जो है ये जो इनका स्लोगन वगैरह है ना, इससे क्या कुष्ठ के विषय में इन लोग बताए कि उसके लक्षण वगैरह बताए, उसका उपचार बताया। और इनका जो एक मैसेज है कि गांव में बच्चों के माध्यम से गांव में ये बात पहुंचे, और यदि गांव में कोई है इस प्रकार से, कोई संक्रमित है या उनको किसी प्रकार का कोई वो है, तो वो आकर यहाँ मिले। और ये जो इनका BLM होम से इन लोग आए हुए हैं, तो इनसे आकर मिले और इनसे चर्चा करें, है ना। हम लोगों को इनका कार्य बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनकी इनका जो वेल बिहेव्ड नेचर है, विद्यालय के प्रति जो इनकी सहभागिता के साथ साथ इनका सहयोग बहुत अच्छा रहा है। बच्चों को इन्होंने प्रोत्साहित करके भी रखे हैं। हम लोग तो जो बच्चों को बताते ही हैं, लेकिन इनका बताने का जो तरीका है बहुत अच्छा है। मेरा नाम सरोज साहू है, मैं गांव की सरपंच हूँ। और मैं बहुत ही मुझे अच्छा लगा इस नाटक से, जो हमारे बीच में लेप्रोसी मिशन से, ट्रस्ट इंडिया से, जो BRC प्रोजेक्ट से यहाँ कार्यक्रम लाए हैं। और ये जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो कुछ भी यहाँ दिखाए गए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे विश्वास है कि लोग जागरूक होंगे ये सब देखकर सुनकर। और मैं जो भाई लोग आए हैं उनका भी बहुत ही बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत ही अच्छा से कार्यक्रम को दिखाया और बोला, और गाना के जरिए एक एक चीज़ को दिखाया और बताया गया। मैं इसके लिए इस भाई लोगों को, मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। जो टीम आए हैं, मैं उनका बहुत ही बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो हमारे सर जो हैं, हमेशा अगले वर्ष भी ये कार्यक्रम रखा था कि जागरूक होने पाए गांव में, कोई ऐसा ना हो कि बीमारी में ग्रस्त हो, कुष्ठ रोगों से ग्रस्त हो, ऐसा कुछ ना हो, ऐसे करके इस जानकारी को देने के लिए हर वर्ष यहाँ कार्यक्रम रखा जाता है। और मैं बहुत ही मुझे खुशी के साथ मैं बोल रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि मेरे गांव के लोग जागरूक हुए हैं, और जागरूक हैं बहुत। और मैं ये संदेशा हर गांव में पहुँचे, मैं ये चाहती हूँ ये संदेशा हर गांव में बताया जाए कि नुक्कड़ माध्यम से क्या करते हैं, लोग आते हैं और देखते हैं तब जानते हैं। और हम लोग तो जो दीवार लेखन है उनको तो देखते हैं और भूल जाते हैं पढ़कर कुछ दिन के बाद। और जो ये जो नुक्कड़ नाटक है जो दिखाए गए हैं, उसमें बहुत ही अच्छा ये है कि एक एक चीज़ को बताकर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं और बताते हैं और लोगों को जागरूक लाते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। मैं इन भाइयों लोगों को बहुत ही बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे जो कार्यक्रम को यहाँ उपस्थित किए गए हैं, लाए गए हैं, मैं उन सर का, अपना जो सिसिल डेविड सर जी हैं और साथ में और सर लोग हैं, बहुत उन सब का मैं आभारी हूँ, उन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ। और द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया के द्वारा संचालित BRC प्रोजेक्ट का डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि आज़ादी के जो अमृत महोत्सव में जो चल रहा है कुष्ठ जन जागरूकता कार्यक्रम, ये हम लोग ने अभी नवागढ़ ब्लॉक के कम 35 पंचायत में दीवार लेखन करा रहे हैं कुष्ठ रोग के लक्षण के बारे में। उसी प्रकार से मालखरौदा के 30 पंचायत में और डबरा के 5 पंचायत में, कुल मिलाकर 70 पंचायत में हम दीवार लेखन करा रहे हैं कुष्ठ रोग के बारे में, ताकि, और ज़्यादातर हम स्कूल के दीवारों को
चिन्हांकित कर रहे हैं ताकि बच्चों के बच्चे उसको पढ़ें और वो मैसेज को अपने घर तक दे सके, ताकि क्योंकि बच्चे के द्वारा ज़्यादातर मैसेज जाता है और वो लोग अपने घर परिवार को बता सके और साथ साथ आसपास के लोग उस दीवार लेखन को देख सकें, क्योंकि एक दीवार लेखन बहुत ही बड़ा माध्यम होता है कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता, किसी भी अवेयरनेस को देने के लिए, जागरूकता को देने के लिए। तो हम लोगों ने, हमारे संस्था ने सोचा कि कुष्ठ रोग के अवेयरनेस जो जागरूकता हम फैलाएंगे वो दीवार लेखन के माध्यम से, कला जत्था के माध्यम से, ये जो आज़ादी के अमृत महोत्सव जो चल रहा है उसके द्वारा हम ये दीवार लेखन करा रहे हैं। धन्यवाद।